हे गाइस, मैं हूँ शौर्य सत्यार्थ एंड टेकन 7 को बहुत ही अमेजिंग सक्सेस मिली थी। यहाँ तक कि अगर हम टेकन के हिसाब से भी देखें तो टेकन 7 को अब तक सबसे ज्यादा सक्सेस मिल चुकी है। इंडिया में भी पीएस एंड पीसी के गेम्स में जीटीए एंड माइनक्राफ्ट के बाद शायद टेकन ही आता है। एंड मुझे पता है कि आप सारे टेकन फैंस टेकन 8 का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ आप और मैं ही नहीं, जैसा कि मैंने कहा, टेकन 7 सिर्फ टेकन सीरीज में ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम है। इसके ऑलरेडी 3 सीजन्स आ चुके हैं और ओवर 3 मिलियन कॉपी सेल्स हो चुकी है। सो नेचुरली सारे गेमर्स टेकन 8 के लिए तो इंतजार करेंगे ही, एंड डेफिनेटली बैंडाई नेमिको को भी टेकन 8 तो रिलीज करना ही है। सो आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई टेकन 8 कब आने वाला है। काफी टाइम से न्यूज सुन रहे हैं बट अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, राइट? सो या कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, बट जहां तक कि मैंने रिसर्च की है, काफी सारी वेबसाइट एंड टेकन के रिलीज पैटर्न को देखा है एंड पूरी स्टोरी को अच्छे से एनालाइज किया है, तो फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं टेकन 8 की स्टोरी लाइन को प्रिडिक्ट करूंगा कि क्या हो सकता है, कौन से न्यू कैरेक्टर आ सकते हैं एंड कौन से पुराने कैरेक्टर वापिस आ सकते हैं एंड टेकन 8 की रिलीज डेट क्या होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो टेकन 7 में हमने क्या देखा था? कज़ुए मिशिमा अपने ट्रू डेविल फॉर्म को अनलॉक कर लेता है। अकुमा किसी मिस्टीरियस कारण की वजह से कज़ुए की हेल्प करने के लिए हेहाची एंड कज़ुए को खत्म करना चाहता है, एंड कज़ुए ने अपने ट्रू डेविल फॉर्म के साथ अपने गुस्से की आग को शांत कर लिया अपने ही फादर हेहाची को मारकर। एंड जब टेकन में एक सीक्रेट लेवल अपडेट हुआ तब अकुमा एंड कज़ुए के बीच में फाइट के बाद एक सीक्रेट कटसीन अनलॉक होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जिन इज बैक विद हिज फुल हेल्थ, जहाँ लार्स एलिसा एंड ली डिस्कस कर रहे थे इस वर्ल्ड के स्टेटस के बारे में और वहीं पे जिन एंट्री मारता है। एंड शायद फ्यूचर में यानी कि शायद टेकन 8 में अब जिन शायद ट्रू डेविल फॉर्म भी अनलॉक कर ले। सो सवाल ये उठता है कि टेकन 8 में स्टोरी लाइन किस मोड़ पे मुड़ेगी। सो मैं ये क्लियर करता हूँ कि टेकन 8 में भी स्टोरी मिशिमा फैमिली पे ही रिवॉल्व होगी एंड अपने ट्रेडिशनल ब्लड लाइन को ही फॉलो करेगी, यानी कि जिन हेहाची अकुमा एंड कज़ुए के बीच की फाइट, पूरी टेकन 8 की स्टोरी इसी में रिवॉल्व होगी जहां पर अनस्टॉपेबल कज़ुए को, जिसने अपना ट्रू डेविल फॉर्म अनलॉक कर लिया है, उसको हराने के लिए जिन को भी अपने ट्रू डेविल फॉर्म में आना पड़ेगा और शायद अकुमा का भी हम कोई न्यू फॉर्म देख पाए जहां पे हमारे पास दोनों को खेलने के ऑप्शन होंगे, एक अकुमा और एक ओनी, अकुमा का सबसे पावरफुल फॉर्म। एंड या हेहाची भी टेकन 8 में वापिस आएगा। आई डोंट नो कैसे बट टेकन 7 में हेहाची का एंड नहीं था, वो वापिस जरूर आएगा। इसी के साथ साथ मुझे लग रहा है कि होरैंग एंड पॉल एंड लॉर्स जैसे कैरेक्टर को भी ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा इस बार, जहां पर ये सारे कैरेक्टर्स ही इस मिशिमा फैमिली के स्टोरी लाइन पे इंटरफेयर करेंगे। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं, हर टेकन के कैरेक्टर की अपनी इंडिविजुअल स्टोरी लाइन होती है, सो वो भी अब कंटिन्यू होगी। लाइक ढेर सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी बीच में रुक गई थी, जैसे पॉल, नीना एंड ऑफ कोर्स किंग, जिसकी स्टोरी शायद मिशिमा स्टोरी के बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो या यही थी मेरी कुछ प्रेडिक्शंस टेकन 8 के स्टोरी लाइन के बारे में। अब अगर बात करें टेकन 8 की रिलीज डेट, तो यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहता हूँ। टेकन 6 2007 में रिलीज हुआ था एंड उसके करीब करीब 8 साल बाद 2015 में टेकन 7 को लॉन्च किया गया एंड उसके 2 साल बाद टेकन 7 पीसी के लिए आया, और इसके बीच में ही टेकन टैग टूर्नामेंट 2 को भी लॉन्च किया गया था, जो कि जाहिर सी बात है टेकन टैग टूर्नामेंट 1 का ही एसेट है एंड उसका स्पिन ऑफ है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि टेकन 7 ने अब तक कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराना भी बंद नहीं किया है, यहाँ तक कि अभी न्यू कैरेक्टर्स और आ रहे हैं। ऑलरेडी 3 सीजन्स बीत चुके हैं एंड आई थिंक फ्यूचर में और भी सीजन्स आएंगे एंड टेकन 7 PS5 के लिए भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें और भी एडिशनल DLCs एंड न्यू कैरेक्टर्स होंगे। लाइक रिसेंटली अभी टेकन ने एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर को अनाउंस किया है एंड ये 51 कैरेक्टर है टेकन का, यानी इससे पहले पूरे 50 कैरेक्टर्स और इंट्रोड्यूस करा चुका है टेकन 7। सो हम ये कह सकते हैं कि टेकन यूजुअली 5 to 6 ईयर्स लेता है किसी भी अपकमिंग टेकन गेम को डेवलप करने के लिए। सो जहां तक मेरा ख्याल है कि टेकन 8 2021 या फिर 2022 में रिलीज होगा, मोस्ट प्रोबेबली 2022 में, एंड 2020 में तो भूल जाओ। एंड गाइज, इस पे जरा नजर मारिए, टेकन के फॉर्मर डायरेक्टर कत्सुहिरो हराडा ने ऑफिशियली ट्विटर पे ये ट्वीट किया था, प्रोबेबली आई एम ओके सिंस आई कैन नो लॉन्गर फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड, आई हैव टाइम टू राइट न्यू टाइटल प्लानिंग शीट एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट
Of course, I am also thinking about what to do with the new plan of Taken World Tour and Taken Series with many staff. इस टूर से आपको ये पता चल चुका होगा कि Taken 8 पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अभी ये ग्राफिक डिजाइनिंग फेज में है, यानी कि अभी भी इसे 2 साल कम से कम तो लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 2022 में रिलीज होगा और अगर कुछ चमत्कार हो गया तो 2021 में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। Taken 8 नियर फ्यूचर में तो नहीं आने वाला, आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा एंड Taken 8 के अपकमिंग न्यू कैरेक्टर्स का मजा लेना होगा। सो गाइस, इस वीडियो के लिए आई थिंक इतना ही। अगर Taken से रिलेटेड और कोई डिटेल आती है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा एंड नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको Taken के ऊपर और कौन सी न्यू वीडियो चाहिए, मैं उस पे भी वर्क करने का ट्राई करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको शायद कुछ नया सीखने को मिला होगा या फिर आपकी कोई कंफ्यूजन दूर हो गई होगी तो वो लाइक बटन जरूर से दबाएं और जैसा कि मैंने कहा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या ख्याल है एंड आप फ्यूचर में Taken के ऊपर और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।